हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जो है मेरा और आप सभी लोगों का। मेरा नाम है पूनम पांडे एंड यस, ये जो क्लिप है वो है 16th of July की। ब्रैट को यहाँ पे हर डॉग्स को ऐसा होता है कि जो मानसून सीज़न आता है उसमें लोगों को, उसमें डॉग्स को स्किन एलर्जी हो जाती है, कभी कभी टिक्स के इशूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ब्रैट के बाल निकाल रहे हैं सो दैट अगर टिक्स है भी तो वो निकल जाए एंड जो स्किन एलर्जी है हम उस पर काम कर सके। और ये हर मानसून में अक्सर होता है, मतलब ब्रैट के साथ तो होता ही है, इवन दो उसको बहुत क्लीन रखने के बावजूद, इवन दो उसको प्रॉपर केयर देने के बावजूद ये कभी कभी हो जाते हैं टिक्स एंड स्किन इशूज़। तो हम ये उसके सेफ्टी के लिए उसके बाल निकाल रहे हैं यहाँ पे एंड बहुत परफेक्ट साइज़ ऑफ ट्रिम है जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, नॉट एक्सट्रीमली शॉर्ट बट एग्जैक्टली परफेक्ट जो हमें डॉक्टर सजेस्ट करते हैं उस हिसाब से हम ये ट्रिम कराते हैं आफ्टर डॉक्टर सजेशन। तो यस, जो ब्रैट के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद हम उसको नीम ऑयल से उसके स्किन पर रब करते हैं ताकि जो भी अगर टिक्स है पॉसिबली वो सारे ख़त्म हो जाए और एक अच्छा उसको बाथ दे देते हैं एंड आफ्टर दैट ही फील्स ग्रेट। सो यहाँ पे बस उसके बाल निकाले जा रहे हैं। ये भैया हमेशा आते हैं टू रिमूव ब्रैट्स हेयर। बहुत लोग प्रेफर करते हैं कि ग्रूमिंग सेशन ले जाएं और वहाँ जाके बाल निकलवाएं और सारी चीज़ें कराएं, बट हम यहाँ पे उनको बुलवा लेते हैं घर पे, बिकॉज़ ब्रैट बहुत कंफर्टेबल रहता है हमारे साथ रह के, वो बहुत आराम से बाल निकलवा लेता है विदाउट किसी को भी परेशान किए हुए। तो यस, यहाँ पे देखिए प्रतीक उसको पकड़ा हुआ है। यहाँ पे उनको थोड़ा सा बांधना ब्रैट को ज़रूरी हो जाता है बिकॉज़ जो भी, जैसे अगर भैया आए हैं या कोई भी आता है, जैसे आप देख रहे होंगे हम गेट के एग्जैक्टली बाहर कर रहे हैं, तो कोई भी आता जाता है तो डर जाते हैं अचानक से, इसलिए हम उनको थोड़ा सा ब्रैट को बस बांध के रखा हुआ है हल्का सा। हम ब्रैट को कभी भी ये देख के बांधते हैं कि उसके गले में पट्टा कितना टाइट है, कितना लूज़ है, वो एकदम कम्फर्टेबल पोजिशन में होता है तभी बांधते हैं। और ब्रैट को हम बहुत कम बांधते हैं, उसको बांध के रहने की आदत हमने नहीं डाली है। कुछ लोग इसको बहुत सही मानते होंगे, कुछ लोग इसको गलत मानते होंगे, बट ये हमारा ब्रैट को रखने का तरीका है। किसी के हिसाब से सही होगा, किसी के हिसाब से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जो है मेरा और आप सभी लोगों का। मेरा नाम है पूनम पांडे। आज है प्रतीक का बर्थडे, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। आज होने वाली है पूजा प्रतीक के बर्थडे के ओकेजन पे। और यस, मम्मी का बर्थडे भी 2nd of July को था, वो हमने इतना ग्रैंड सेलिब्रेट नहीं किया था क्योंकि मम्मी चाहती थी कि वो अपना बर्थडे प्रतीक के साथ सेलिब्रेट करे। तो यस, बेसिकली ये होने वाला है मम्मी और प्रतीक का बर्थडे वीडियो एंड बने रहिए। अभी तो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, सरोज मम्मी बना रही है अंदर किचन में कुछ ना कुछ खाना, मम्मी कर रही है पूजा की तैयारी। मम्मी को दिखा दो, मम्मी कर रही है पूजा की तैयारी। यहाँ पे यश लगे हुए हैं हैप्पी बर्थडे का टैग को डेकोरेट करते हुए, और खुशी कर रही है शूट और मैं कर रही हूँ बलून ब्लो। तो यस, ऐसी वीडियो में बने रहिए, एंड तक देखिए, आप लोग जरूर एंजॉय करेंगे। खलगोच हो क्या चाले? बेटा पीछे तो देख ले, मेरे पीछे तो देख ले, साले रिवर्स गेम नहीं लगा था तू, हाँ पीछे चला तो देख ले। आले बबले, आले बबले, क्या बोले, क्या कर ले लो? हैप्पी बर्थडे, क्या कर ले लो, क्या कर ले, क्या कर ले लो, ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवटलालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुताचय। ओमायातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनि गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोने नमोऽस्तु ते। भर्गो देवस्य धीमहि बढ़ाने वाला यह मंत्र है मंगल।
लटकती हुई आकृति दिख रही है वो नहीं, तो बोले आपको नहीं, बोले आप घबराइए नहीं, हम आपके क्यों। कुछ लोग बोलते कि इसमें यज्ञ में दक्षिणा देते ना, दक्षिणा माने पैसा नहीं, दक्षिणा माने हमारे अंदर की बुराई, आपसे हम दक्षिणा ले लेंगे, हमको नहीं चाहिए दक्षिणा गुरुदेव को, तुम्हारी बुराई की वो भी दक्षिणा, और पैसा देंगे होगा दान। फिर देव पूजन, जब हम यज्ञ करते हैं तो पूरे देवताओं का पूजन होता है, गायत्री में सभी देवताओं का पूजन होता है, ऐसा नहीं कि गायत्री माता की पूजा की तो खाली गायत्री की होगी, नहीं, सभी देवताओं का पूजन, सभी देवताओं ने गायत्री की उपासना, राम गायत्री, शिव गायत्री, कृष्ण गायत्री, नाम सुना है ना, गणेश गायत्री। जब तक तुम गणेश भगवान को ओम एक दंताय विद्मे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात, ये नहीं बोलोगे पूजा स्वीकार नहीं हो, फिर जनेऊ लगता है, फिर जनेऊ क्या है, माँ गायत्री की मूर्तिवंत प्रतिमा जनेऊ, इसलिए ब्राह्मण होता है उसके गले में जनेऊ होता है, तो गुरुदेव ने सबको ब्राह्मण बना दिया, हम ब्राह्मण जाति से नहीं है, मगर हमारे गले में भी जनेऊ गुरुदेव ने पहना दिया, क्योंकि हमको जन्म से ब्राह्मण नहीं कर्म से ब्राह्मण बना, जिस लोगों ने जैसा जैसा कर्म किया वैसे जाति की, भगवान ने तो किसी की जाति बनाई नहीं, पुरुष और स्त्री बनाई थी भगवान ने। फिर आ गया दान हो गया, देव पूजन हो गया, फिर संगति कर, यज्ञ में बहुत सारे लोगों को अपन बुलाते हैं, तो जब सब लोग इकट्ठा मिलके आहुतियाँ डालते हैं तो वो आहुतियाँ ऊपर जाती है, सूक्ष्म रूप में कुछ भी शब्द आप बोलोगे ना वो ऊपर जाता है, कोई अपने बारे में बुरा सोच रहा है तो उसके लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में, वो ऊपर जाता है और तुम नहीं लोगे उसको, उसके पास वापस जाता है। बॉल तुम दीवार को मारोगे तो दीवार ले लेगी क्या अपने तरफ, जितने स्पीड से मारोगे उतने स्पीड से आपके पास आएगा, क्योंकि दीवार ने लिया नहीं तुम्हारा, तो किसके पास आएगा, तुम्हारे पास। मंत्र बोलते हैं, ओ भूर्भुवः सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्या नाम बोला भैया? प्रतीक पांडे। प्रतीक भैया का जन्मदिन पूरा मंत्र ये भी दी जाएगी, सभी लोग अपनी भावना समर्पित करें, अतः ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, आंखें आधी खुली हुई और ज्योति की तरफ देखना है आपको। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं गायत्री नाम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम पुनरिकाक्ष मंगलाकर सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये भक्ते गौरी नारायणी नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रतीक भैया दीर्घायुष्य हो, दीर्घायुष्य हो, दीर्घायुष्य हो, प्रतीक भैया दीर्घायुष्य हो, दीर्घायुष्य हो, दीर्घायुष्य हो, स्वस्थ रहे प्रतीक भैया, स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे प्रतीक भैया, प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो, प्रतीक भैया धर्मशील हो, धर्मशील हो, धर्मशील हो, प्रतीक भैया धर्मशील हो, धर्मशील हो, धर्मशील हो। हर दिनों से ये दिन कितना प्यारा, हर दिनों से ये दिन कितना प्यारा, मा
बधाई बधाई तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई। यही बात दीपको ने बताई, यही बात दीपको ने बताई, जन्मदिन की बधाई बधाई। यहाँ पे पूजा बहुत ही अच्छे से पूरी हो चुकी है और सब लोग खा रहे हैं प्रसाद। और मत रहने दे कुछ वो बोला मैं दे दिया ना, अब तेरे को कितनी जरूरत होती है।